आज आप इधर देखिए, आज ट्वेल्थ का पहला टॉपिक फ्लावरिंग प्लांट को छोड़कर पहला है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर है वो, समझ रहे हैं ना? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जो इधर देखो जो बॉटनी का पांच चैप्टर वो परसों से जो भी आ जाएंगे पढ़ा कर, मैं आज पढ़ा रहा हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन चैप्टर सात नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन दूसरा चैप्टर आपके एनसीईआरटी के सारे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल और फीमेल दोनों, इधर देखो ह्यूमन बीइंग मेल और फीमेल दोनों जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोइसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं या डायोइसियस होते हैं, मेल फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड होता है, बाहर से देख के पता कर लेंगे मेल कौन है फीमेल कौन है, बात समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है। मेल जो होते हैं आपने देखा होगा उसमें टेस्टिस स्कोटल सैक पाया जाता है, टेस्टिस स्कोटल सैक में पाया जाता है आउटसाइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी पेल्विस रीजन में, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी टेस्टिस प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं स्कोटल सैक। क्या बोलते हैं? स्कोटल सैक में टेस्टिस होता है जिसका तापमान आपके बॉडी के तापमान से 2 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है जो आइडियल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इंडिया में इतनी जनसंख्या कहाँ है बड़ी, इधर देखो इंडिया में इतनी जनसंख्या कहाँ है बड़ी, सब आइडियल टेम्परेचर दे दिए, स्पर्मेटोजेनेसिस को भयानक रूप से हुआ, इतनी जनसंख्या पैदा कर दिए पूरा विश्व का जो है एक किया यही है। अब क्या कर जंगिया पहनते थे, पहले धोती कुर्ता पहनते थे, धोती से जंगिया से एयरेशन होता था, स्कोटल सैक में हवा लगती थी, टेस्टिस, टेस्टिस का टेम्परेचर डाउन, टेस्ट की टेम्परेचर डाउन, इधर देखो इस पर खूब बनता था आखो कैड का पहिया है तुम्हारे पास 10 ठो कैड हो 12 ठो कैड हो 8 ठो कैड हो 9 ठो मतलब 10 अगर 15 कोई पता कर बहुत बहादुर आदमी है। बस मेरे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, अभी तक देखिए वृद्धि हो गई, बोलिए ना, वो तो अंग्रेजी बारे थोड़ा सिखा चले गए, पैंट शर्ट पहनना सीख ले, टी शर्ट से पहनना भी सीख ले, नहीं तो भाई तो वृद्धि कुर्ता पहने, तो धोती कुर्ता पहनना इंडिया के कल्चर के ठीक ठाक, टेम्परेचर ज्यादा रहे, स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छा, टेम्परेचर लो रहे, स्पर्म का फॉर्मेशन खूब, बच्चे पैदा खूब हो, भगवान का प्रसाद है। बस में रहे ना, भगवान का प्रसाद, अल्लाह मियाँ का प्रसाद, जिसका भी प्रसाद है वो प्रसाद है, चलने पैदा करते हो देखा जाएगा, खाना ना कोई टेंशन ना, पढ़ाने कोई टेंशन ना है, बोलिए ना, लेकिन पैदा करेंगे और ऐसे ऐसा पैदाइश करेंगे कि दुनिया याद रखेगी, समझ रहे हैं? तो मैं क्यों बता रहा था, तो टेस्टिस का टेम्परेचर लो होने के लिए उसको सेक होता है, और अगर कोई आदमी कोई लड़का बच्चा है, लड़का बच्चा नहीं जो बच्चा पेट के अंदर जब होता है 5-6 महीने के अंदर जब टेस्टिस हुआ एब्डोमेन में टेस्टिस बनता है, टेस्टिस बनता है एब्डोमेन में, टेस्टिस कहाँ बनता है एब्डोमेन, और डिसेंड करता है नीचे उसे, इधर देखो उसको डिसेंडिंग आर्म टेस्टिस कहते हैं,
नीचे उतरना इंग्विनल कैनाल खुल जाएगा। अगर डिसेंडिंग फेल हो गया, टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गया और टेस्टिस में नहीं गया, मैं उसमें स्पोनोसैक में, तो आदमी यूनोश हो जाए, किसी कीमत बच्चे नहीं पैदा कर सकता। इस पर बनेगा ही जितना तापमान उसके बॉडी टेम्परेचर नहीं बनेगा। आज आप सुन रहे हैं चार बच्चों की मां प्रेमिक सतपुर बात, बोलिए ना, प्रेमी प्रेम का दोनों ने की आत्महत्या, बोलिए। ये सब हार्मोनल प्रभाव है, ये सब हार्मोनल प्रभाव है, समझ रहे हैं ना। बारह ये बातें नहीं है, मैं क्यों बता रहा था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हार्मोन का बहुत प्रभाव होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में पगलाई के लिए जिम्मेदार होता है, मेल में जो पागलपन लाता है वह नाम है टेस्टोस्टेरोन का नाम। दाढ़ी मूंछ का जमना, प्यूबिक हेयर एक्सिलरी हेयर का जमना, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, सेमेन का फॉर्मेशन, मच मस्कुलेशन इन द बॉडी, अग्रेसिव नेचर, लिबिडो, अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल। आप रास्ते में देखते हैं हाँ, हॉर्स वॉइस भी होगा, मोटी आवाज भी जाती, भारी आवाज, हॉर्स वॉइस, ये सारे टेस्टोस्टेरोन कारण होते हैं। कभी कभी आप देखते हो कुछ लाख भैर लड़के होते हैं, इधर देखो, कुछ लाख भैर लड़के होते हैं मूविंग हियर एंड देयर चेस्ट लाइक डॉग बिहाइंड द गर्ल्स, ज्यादा टालते रहे एक बंदर की तरह ये, और यह देखो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो हार्मोन है, बोलो शादी में जाते हैं, ये शादी में जाते हैं तो जो देखिए सबसे बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, सबसे बढ़िया कपड़ा पहनते कायर के लिए, एक मिनट को देखो शादी में खूब डांस करते हैं, एक से एक डांस, नागिन डांस करिए कौन, अगर शादी में नागिन डांस नहीं हुआ तो बेकार, नागिन डांस होगा, भांगड़ा डांस होगा, फ्राग डांस होगा, स्नेक डांस होगा, कुल डांस होगा। अब अगर इधर देखो जहाँ द्वार पूजा लग रहा है, सुनो जहाँ द्वार पूजा लग रहा है वहाँ पे खाली इधर देखो कुल महिला गुड्ढी खड़ा कराते हैं, जितनी महिला ने पूरे गांव की है, पुरनिया लोग सब, पुरनिया लोग जा खड़े जा बेटा नाचो खूब, तो नाच बेटा खूब देखते कौन को नागिन डांस करते कि फ्राग डांस की जो है फ्रागी डांस करते। अब उन्हें जानते कुल को डांस खत्म, अरे यार यार कहाँ डांस करे, कोई ये नहीं तो ये पुरनिया लोग का देखिए, पुरनिया लोग कौन डांस देखेगी, उलट गए कुल डांस का क्या यार, कुल मूड गड़बड़ा गया, वो हार्मोन था है कि नहीं, इसमें दिमाग तो काम करेगा बेटा, इसमें दिमाग काम करेगा। वही हाल लड़कियों का है, लड़कियां एक कोस आगे हैं लड़कन से, उनने तो और उनके अंदर हार्मोन का लेवल एस्ट्रोजन होता है, वो एस्ट्रोजन जो होता है यहाँ पे जब चढ़ता है इधर देखो, जब यहाँ चढ़ता है तो इसे नचा देता है और घूम जाते पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बढ़िया कपड़ा होगा वही खरीदना चाहेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहे हैं। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, बनारस ये कपड़ा लावे जौनपुर से, है बढ़िया कपड़ा लेना है ऐसा पहनिए, दे देखो वो दिन जाएंगे ब्यूटी पार्लर को एकदम पूरा बदल देखेंगे, पर डेंटिंग पेंटिंग सेंटिंग करा करवाए ये देखे हाँ वही POP करवाए और क्या, शादी कहीं जाता POP करा जाता है ताकि जितने भी POP करा के जाए तेरे जितने पप्पी लेने वाले सब के पास आ जाए, POP करा के जाए इतने पप्पी लेने सब के पास आ जाए हाँ, और टकला सहला के फिर उस पर POP लगा दें, इसे इसे पंच को ठोपी दे दे वहीं पर। सुनो तो होता क्या है, लड़कियों के साथ वही समस्या है, जब उन्हें शादी भरे का लड़की मांग रहे हैं बहुत परफ्यूम लगा लिया है, और लड़के दूसरे की समाधि सास के पर समाधि है, मम्मी जी बच्चे को लेकर चलिए हम तो थोड़ा देखने अच्छा लगा, ताकि वो कोई समझे नहीं कि शादी के लड़के होंगे,
अपने को दिखाने के लिए 100 पीस के लिए बोलिए, अरे तेरा शादी हो गया है बेगू, तुरी शादी हो गई तेरे पास हस्बैंड के दिखावे जाते, देख के लोग का करेंगे तुम फोटो को, अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो हारमोन का कीड़ा है, इनंद मान लीजा देखो, इनंद माल पैंट शर्ट पे आए गए लगे इन्हें कहता पूरा पूरा करके मुझे लेके चलेगी, और जानते हैं अगर एक लड़की उससे बढ़िया कपड़ा पहन के निकल के उसके सामने से तो फिर अरे आप देखो जलन की भावना, जीनस कितना जीनस होगा, कितना जीनस होगा कि इधर पसीना पसीना से पूरा परफ्यूम उड़ जाएगा, समझ रहे ना। ये हार्मोन का लेवल है, हार्मोन का लेवल है। और जानते हैं शादी विवाह में सबसे खतरनाक होते हैं रिश्तेदार, बहुत खतरनाक होते हैं जुटमा जो इधर कोनो काम रहे तब जाकर लड़की उन्हें जो लड़की ठीक सामान्य व्यवस्था में रहेगी जो काले बती जाएगी इसकी, ये कौन बात है ऐसा है ज्यादा बार कब देखती रहे ऐसे जो तू देखे तो आंधी है उनको देखी है तू समझावा देखते है वो खाली इसलिए देखिए हम बहुत VIP हैं और ये भी बहुत VIP है, हमारा इनका बहुत VIP संबंध है, समझियो अमन का देख रहे समझ रहे। और अगर इधर देखिए अब अगर कहीं सड़वाइन है साली तब से फिर बात पूछने की नहीं, वो आप कान में होते जीजा जी ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं बारात उधर जा रहे हैं थोड़ा आप देखिए, अब फिर जीजा जी जीजा जी जीजा जीजा उड़ गए जीजा जी गए उलड़ गए जीजा जी बारात, ये मैं क्यों बता रहा था ये उल्टा पुल्टा काम होता है, उल्टा पुल्टा हार्मोन काम कराता है टेस्टोस्टेरोन मेल में, एस्ट्रोजन फीमेल, एस्ट्रोजन फीमेल में काम कराता है, बात समझ रहे हैं। अभी 5 बच्चों की माँ वर्धा से भागी, 5 बच्चों की 10-15 दिन बाद 5 बच्चों की माँ, वो की सबसे बड़ी लड़की ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट कर रही है, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, उसकी माँ और उसका सबसे 5 बच्चे थे उसके पास, 3 बेटा और 2 बेटियाँ, सबसे बड़ी बेटी है ग्रेजुएट ही कर रही, ग्रेजुएशन यही कर रही, दुर्भाग्य से हमारी स्टूडेंट भी है बेचारे, और उसकी मम्मी जो है उसका सबसे छोटा भाई 5 महीने का था और उसको छोड़कर भाग गई, याद आती है भागी किसके साथ, क्या बोलते हैं निषाद जानते कोई होता है सरोज यानी सरोज सरोज उनके साथ भाग गई। अब भागने के बाद जो जिसके साथ रहते थे आदमी चाहे जिसका आदमी था वो बहुत सीधा जेंटिल, पैसा कौड़ी ट्रैक्टर घर द्वार खेत बाड़ी सब व्यवस्था थी इसके पास, सब व्यवस्था का ही टिकट, लेकिन जिसके साथ भागे टेम्पो चलाता है यहीं जाते कहाँ से वो नहीं बहुत दूर तक यहीं जाते हैं पाठक पेट्रोल पंप से बर्दा तक ठेकमा तक, ये पाठक पेट्रोल बर्दा तक ठेकमा तक, अब उसके साथ भागे अब रोज पी के रोज पीटता पड़ता है, और वो लड़का को अपने देखती भी नहीं, 5 महीने का है अब उसका बाप उसको 2 बाटल दूध पिलाता है, अब वो अब बाकी इस्तेमाल करवाता है क्या छोड़ देता है वो भी कह जाएंगे जब चलेगी तो उससे क्या बात है, और जानते कहाँ घर है उनका, अब हंसोगे ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हार्मोन का लेवल तगड़ा हो गया था, विवेक शून्य हो गया था, अब वो क्या कि यहाँ घर उनका बेचारे का ऐसे 5-6 घर छोड़ कर उनका घर ऐसा कोई रह रही, अब आके 10-15 दिन बाद कहीं जाकर रह रही क्या करोगे, मैं मजाक नहीं करता हूँ मैं सीरियस में बताता हूँ, 5 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ खुद हो जा रही ग्रेजुएट महिला ग्रेजुएट लड़के का मम्मी, अब क्या कर रहे, अब ये महिला सशक्तिकरण को देखिए महिला मोर्चा को देखिए भाई आपकी जो महिला थी वो देखिए ऐसा कांड कर रही है कि सुंदर कांड से बढ़िया पाठ हो रहा है, ऐसा सुंदर कांड की है कि काबिले तारीफ है, अब आता है इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे तुरंत मुँह पे लगा दी इसे, हाँ भाई गलत हुआ इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम महिला सशक्तिकरण के तरफ है, महिला कोई कांड करे तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं, पुरुष कोई कांड करे उसके लिए सब प्रॉब्लम है, बहरहाल जबकि सब में सबसे ज़्यादा हाथ महिलाओं का ही होता है, करप्शन में चोरी में बेमानी हर जगह उनको थोड़ा थोड़ा हाथ रही सहभागिता रहेगी, हमारी बात यहाँ नहीं थी, हमारी बात क्यों यहाँ थी क्योंकि बात थी प्रोडक्शन, तो हम पहले देखते हैं क्या
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहला काम सीधा सीधा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहला ही मेन होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है भाई। हाँ बोलिए ना, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होता है? टेस्टिस। हो गया, कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड फ्रॉम द, हम कहाँ पर सारी बोलते हैं ना, ना कहाँ हम करते हैं, आउटसाइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। क्या प्रॉब्लम हो रही है? पर सारी बताओ, एब्डोमिनल कैविटी टेम्परेचर, टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर लो होता है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो होगा, दैट पॉइंट टेम्परेचर, दैट बॉडी टेम्परेचर। Which is ideal for, जो ideal होता है किसके लिए? Ideal for formation of sperm, या इसको बोलते spermatogenesis, spermato जेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस का लेंथ जो होता है, लेंथ ऑफ टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। हो गया, प्रत्येक टेस्टिस में, ईच टेस्टिस इज कंसिस्ट्स ऑफ 250 कंपार्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, कार्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन 2 to 3 सेमिनी हेयर्स ट्यूब्स। सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब, हो
गया 2 से 3 सेमी इंटरेस्टिंग हो। In the same interesting room, in the same interesting room, जब संसार प्रेजेंट, जब संसार प्रेजेंट, जब संसार इस पर माइक्रोगोनिया विच प्रोड्यूसर इस पर स्पर्मेटोगोनिया जो इस पर प्रोड्यूस करता है ये सुन लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहली बात मेल जो होता है, कोई पूछे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, चिंता बोलेंगे टेस्टिस, बाकी सारे सिसरी। ये टेस्टिस का प्रोडक्ट स्कोटल सैक में, न देखो स्कोटल सैक बकरा बकरा पकड़ के देख लीजिएगा, छोटे बच्चे को देख लीजिएगा, नंगा पंगा घूम रहा होता है, छोटे बच्चे उसको देख सकते। बोलिए कुत्ते को देख लीजिए, उधर लटकता रहता है हमेशा, घंटे की तरह इधर दौड़ता रहे तो लटकता रहे, स्कूटर से है। बोलो ना यार, हाँ है कि नहीं है, जैसे बोलो ना, अरे सर मारो जैसे कुत्ते को अंदर गिर जाए पहले, इतना सर मार रहे हैं कि कुत्ते की चट्टी पहना कर भेजिए, हमारे गाँव कुत्ते से इज्जतदार है, देखो इज्जत मान वाला साथ नहीं ऐसे बोल रहे, बोलो सही बात है। हाँ अरे कहा हो गया, बोले ये देखिए, अब मैं आपको बता रहा था इसमें, तो मैंने क्या कहा टेम्परेचर कितना 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं हाथ हाथ बताने में नहीं शर्म आएगी, मुंह बताने में शर्म नहीं आएगी, नाक बताने में शर्म नहीं आएगी, ये पैर बताने में शर्म नहीं आएगी, बोलिए। और अभी बताना आप टेस्टिस ओवरीत कहें, गरीब बाप रे कैसे बताएंगे, हम तो बहुत शर्मा रहे हैं, हैं सब ये शर्मा लगे तब तो फिर प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा। बोलिए तो मैंने क्या कहा 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया टेम्परेचर, इसे देखिए जो टेम्परेचर आइडियल किसके लिए, टेम्परेचर विच इज आइडियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनने के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। लेंथ ऑफ टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर, टेस्टिस का जो लेंथ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है, उसकी मोटाई होती है, टेस्टिस का वेट जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, ईच टेस्टिस का सिक्सा 250 कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, पोस्टर सारे नेट के लिए। फिर मैंने कहा ईच लोब्यूल कंटेन 2 to 3 सेमी इंटरस्टिब्यूल, एक टेस्ट लोब्यूल में 2 से 3 सेमी इंटरस्टिब्यूल होता है। इन द सेमी इंटरस्टिब्यूल जब सब प्रेजेंट होती है स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाता है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है, जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला तो सल्टोरी सेल उसी में, सर्टोरी सेल जो होता है हाँ देखो इन द स
सेमिनी फेरेस्टिन्यूल इन द सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स का प्रोजेक्ट होता है इन द सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स सर्टोली सेल्स प्रेजेंट विच प्रोवाइड नरिशमेंट विच प्रोवाइड नरिशमेंट नरिशमेंट टू डेवलपिंग जर्म सेल्स इसमें और कुछ होती है इम्यूनिटी सेल्स भी होती है कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे सब इम्यूनिटी सेल्स आल्सो प्रेजेंट इस टेस्टिंग बात चल रही है आल्सो प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम द किसके बाहर आउटसाइड फ्रॉम द सेमिनी फेरेस्टिब्यूल इंटरस्टीशियल प्रेजेंट इंटरस्टीशियल प्रेजेंट प्रेजेंट ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या पाया जाता है विच कंटेन इंटरस्टीशियल सेल याद करिएगा इसको सर्टोली सेल के नाम बोले हो इंटरस्टीशियल सेल या इसी को बोलते हैं क्या लिडिंग सेल्स लिडिंग सेल्स इंटरस्टीशियल सेल या लिडिंग सेल इंटरस्टीशियल सेल्स आर लिडिंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंड्रोजन इसका मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन कौन होता है टेस्टोस्टेरोन बोलिए मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हो गया टेस्टिस के बाद वासा इंफेरेंसिया टेस्टिस के बाद कौन आता है रेट टेस्टिस आता है बोलो आता है कि नहीं आता है रेट टेस्टिस आवाज नहीं बेटा आवाज बिना
समझना पड़ेगी, ऐसा लग कोई है नहीं। वो पर इंट्रो कहाँ खुलेगा? रियल एस्टेट सुपर इंट्रो वासा इफरेंसिया, इफरेंसिया वासा इफरेंसिया का फाइन कैपिलरी क्या है ये? फाइन कैपिलरीज या ऐसे लिख लीजिए फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओपन इनटू कहाँ ओपन करता है? सूर्यांश को तो दिया है तुमने, ठीक हो जाता तू आ गया, समस्या का समाधान उठा कर यहाँ जा। ओपन इनटू कहाँ ओपन करता है? इपिडाइमिस कहाँ खुलता है? इपिडाइमिस कहाँ खुलता है? वास डिफरेंस कहाँ खुलता है? इयाकुलेटरी डक्ट में, यही जबर डट मैकॉर्ड खुलता है। सेमिनल वेस्किल भी जानते रहिएगा, और ये जबर डट खुलता है किसमें? यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा कहाँ खुलेगा? यूरेथ्रल वीटस के द्वारा बाहर। या इसको आप कह सकते हैं ये देखिए यूरेथ्रल मीटस, या आप कह सकते हैं यूरोजेनिटल मीटस। यूरेथ्रल मीटस या यूरोजेनिटल मीटस, ये सेमिनल वेस्किल भी इसमें खुलता है या प्रोडक्ट में, और ये भी खुलता है। इसको हम यूरोजेनिटल मीटस भी कह सकते हैं। यूरेथ्रल मीटस को क्या कह सकते हो आप? यूरो जेनिटल मीटस भी कह सकते हो आप, क्योंकि किससे? यूरिन में निकलता है और स्पर्म में निकलता है, इसीलिए इसको यूरोजेनिटल मीटस भी कह सकते हो। अगर आया गलत नहीं होगा, यहाँ लिखते रहते इस हिसाब से यूरिनो जेनिटल जेनिटल मीटस, यूरोजेनिटल मीटस, कोई परेशानी? ये हम इरेज कर दे रहे हैं, किसी को टेंशन होगा तो पूछ ले, इरेज कर रहे हैं। इसके बाद भी पढ़ना है ब्लाइंड किडनी,
ग्लैंड एक पेयर होता है सिंगल होता है एक केवल होगा इवन पेयर होता है ऐसे बोलते हैं कॉपर्स लैंड ये लुब्रिकेट करता है ये भी वन पेयर होता है इसका सिक्रेशन क्या करता है सिक्रेशन लुब्रिकेट द पेनिस ग्लांस के लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं पार फ्रिक्शनलेस क्वाइटस या इसी को बोलते हैं क्वाइटस समझ रहे हैं ना फ्रिक्शनलेस क्वाइटस फ्रिक्शनलेस क्वाइटस ये दोनों क्या रिलीज करते हैं सीक्रेट्स सेमेन उसमें फ्रक्टोज होगा सिट्रिक एसिड होगा सीक्रेट सेमेन इसमें क्या क्या होगा फ्रक्टोज सिट्रिक एसिड रूप में है नहीं है सिट्रिक एसिड कैल्शियम आयन विस्कस फ्लूइड अगर कोई पूछे सीमेन में किसका किसका सिग्नेचर होता है तो चारों तीनों को लिखेंगे पूछे क्यों क्योंकि ये तो रिलीज होता है लेकिन ये बाहर निकला हुआ होता है जाए तो इसके साथ ही जाके मिल जाए इसे तीनों का सिग्नेचर होगा सर हालांकि सीमेन का फार्मेशन ही नहीं करता सही बात तो ये है समझ रहे हैं ना एल्कलाइन होगा लेकिन क्या होगा ये जब इसके ये प्रोस्टेट ग्लैंड मिनरल्स के निकालने का रिलीज करेगा ये तो ये भी उसका पार्ट बन जाता है हो गया तो क्या ग्लैंड मिली आपको पहला दूसरा तीसरा सेमिनल वेसिकल से वो सीक्रेट होता है सेमेन और फ्रक्टोज
होता है, सिट्रिक एसिड कैल्शियम आयन विस्कस फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रेट करता है, लेकिन ये बल्बोरेटरी ग्लैंड नहीं सिक्रेट करता। ये हम एनालॉगस आर्गेनिक किसका, एनालॉगस आर्गेनिक किसका, बल्बोरेटरी सॉरी बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल। ये बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल का एनालॉगस आर्गन है, पढ़ाएंगे अभी आप आगे। इरेज करें क्या इसको, सब समझते रहे जाए, घर पड़ेगा इसके बाद पूरी याद हो जाएगा तुमसे। बात तो करो जी, नेक्स्ट देखो, यूरेथ्रा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, runs along the penis, from mental side, from mental side, हो गया। पेनिस जोड़ता है, इरेक्टाइल, इलास्टिक, इरेक्टाइल, इलास्टिक, कॉपुलेटरी आर्गन। कंसिस्ट्स ऑफ किसका बना होता है, कंसिस्ट्स ऑफ एडक्लूसर मसल्स कवर्ड बाय स्किन, एडक्लूसर मसल्स टर्मिनल पॉइंटेड रीजन ऑफ पेनिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ग्लांस पेनिस, which is covered by more skin, इसके हम लिखेंगे और skin, या इसी को बोलते हैं prepuce, और skin are prepuce। ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस,
गया। मेल वेल का कितना होता है, कितना बड़ा बताया था अपने एनसीआरटी में इस क्वेश्चन में, मेल वेल का कितना बड़ा होता है, 14 से 20 सेंटीमीटर। फीमेल में कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। गुलाग वायु से यूरेथ्रा मेल में कितना होता है, 14 से 20 सीएम। फीमेल में 4 सीएम छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है, इसीलिए मेल में जल्दी यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होता। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन मेल में नहीं होता जल्दी, फीमेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक ये सही यूरेथ्रा छोटा होता है, बैक्टीरिया साइज पर लग जाता है। यूरेथ्रा से दो चीजें निकलती हैं, याद करिएगा, यूरेथ्रा क्या निकालता है, दो चीज, यूरिन और सेमेन। सेमेन कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, यूरेथ्रा से यूरिन निकलेगा, यूरेथ्रा से सेमेन निकलेगा, इसे दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यूरिनेटर कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, इधर देखो, मैं बता रहा था इसमें देखिए, यूरेथ्रा जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, रस एलाम का पेनिस फ्रॉम मेंटल साइड, किसके केस में, मेल के केस, इन मेल, फीमेल में ऐसा नहीं होगा, हो गया। मैंने कहा मेल में 14 से 20 सेंटीमीटर, फीमेल में 4 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होता है। मेल में यूरेथ्रा क्या निकालता है, यूरिन और सेमेन, किसमें निकालेगा दोनों चीजें, ये किसमें निकालता है, मेल में। फीमेल में यूरेथ्रा क्या निकालेगा, मल्ली यूरिन निकालता है, इसमें फीमेल में, क्योंकि जनरेटर पर चल रहा आता है, जेनेटल पर चल अलग, यूरेथ्रल पर चल अलग। पेनिस होता है इरेक्टाइल होता है, इधर देखिए, पेनिस होता है इरेक्टाइल होता है, इलास्टिक होता है, कैपिलरी ऑर्गन, कंसिस्ट्स ऑफ डिट्रूसर मसल्स, किसका बना हुआ होता है, डिट्रूसर मसल्स का, ये स्पेशलाइज मसल्स होती है। टर्मिनल पॉइंटेड रीजन ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस, जो टर्मिनल पार्ट होता है पेनिस का उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो आगे वाला पार्ट होता है ग्लांस पेनिस कहते हैं, वो कवर्ड होता है किसके द्वारा, कवर्ड होता है फोर स्किन के द्वारा या प्रिप्यूस के द्वारा, किसके द्वारा कवर्ड होता है, फोर स्किन और प्रिप्यूस के द्वारा, जो मुस्लिम बॉयज होते हैं छोटे बच्चे रखते इतने बड़े तो उनका खतनी होता है, खतनी मतलब क्या होता है, उसके मेम्ब्रेन को कट कर देंगे ऐसे और छपटियाएगा चिल्लाएगा फोफो करेगा, उस पर गुलाब जल छिड़कते हैं, अपना कुछ मुर्गा पीट बना खाएंगे, नाचेंगे, इनका खतनी हो गया आज, तो प्रोग्राम एक प्रोसेस होता है खतनी, समझ रहे हैं ना, खतनी में प्रिप्यूज को ऐसे प्रिप्यूज मेम्ब्रेन होता है कट कर दे, हालांकि ऐसी कोई ना देखो, ये सब अपने आप से प्रथा बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये है प्रथा चल गई है, परंपरा तोड़े कौन तोड़े, तोड़े तो कौन तोड़े, लड़का चिल्ला रहा है वही छुट्टी आएगा और देखेंगे सब चिल्ला रहा है, लेकिन सब आँखें पट्टी बांधा चिल्लाए कि ज्यादातर हुआ दे खूब छपटे, अभी किसी का मेंबर पार्ट तो पूरा छप से गोरी से पूरा और बेचारा चिल्लाएगा नहीं, उसमें गुलाब जल का नहीं होता, अल्लाह में एक बरदान है, बरदान ये दुर्गा माई बता इधर देखो, हम देख रहे थे जब कराहा चढ़ रहा था, कराहा जानते हैं ना, कराहा जानते हैं, ये नहीं देहात में कराहा चढ़ता है, कराहा बड़ा बड़ा कराहा चढ़ेगा, उसी में जो है वो आदमी जो छाता
पूरे नहा नहा जल्दी दिया गया, फिर कोई ऐसे निकालने का सब देखेंगे जल्दी घुआ उतना हथवा डाल दे रहा है, अरे पनियम खींच के आया है तो इस ना डाल के सब निकाल ले रहा है। और उसके बाद क्या करें, छोटे छोटे लड़कों को मिल गया कितने, उसके बाद वही लवही जो उसमें खिड़िया जो रहता है गर्म गर्म उसे छपक छपक करते हैं, चिल्लाए कुछ क्या बाप है, बाबा बरदान दे दो, बाबा बरदान दे दो। अब कौनों बाबा बरदान दे ही ना है भाई, तक कौन याद लड़के घूमने कराहा खुद तेज चढ़ता है, जुटों में पग दे जुटों में पग दे। अरे पढ़ेगा लिखेगा अपनी तकदीर को बनाएगा, जो पढ़ेगा लिखेगा अपनी तकदीर को बनाएगा। अरे कराहा छा दुर्गा माई वहाँ आ गए, दुर्गा माई आ गए तो बरदान, अब जो जे के छू दी है बाबा तेम देखा हमारे मार्ग सही काम ना हो तो जाओ सब काम हो जाएगा, ला सौ रुपये चढ़ाओ जा एक बाबा हमारे देख रहा है हमारे जो लड़का बैठ गया उतर रहा हो पैसे से ना भेज हो किसी दुकान, अरे वो दूसरे चक्कर फंसा हुआ है पैसे कैसे अच्छा ठीक हो रुको पूजा करते रहे, इधर देखो रुको पूजा करते रहे, जय बाबा की पूजा करते मतलब यही इधर देखो यही फूल ले जा चढ़ा दिए फिर ठीक हो जाइएगा लड़का ठीक हो जाइए, कुछ ना हुई है सब पक लिए हम आपने हिंदू धर्म की परंपरा कर दिया है। क्या कहें इसको, जबकि इससे कोई नहीं, सबका मानना जो ब्रिटिश पटकर उनका मानना है कि इससे जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उनका ये मानना है ऐसा कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, हमने अपने हिसाब से बना दिए जो पैगंबर पहले क्या बोलते हैं जो धर्म गुरु थे सब बना दिए हैं, चल रहा है उसी सिस्टम चल रहा है, भेड़ की तरह भेड़ चल रही है, चलने दो भेड़ जा कुएं गिर रहे गिरने दो कोई टेंशन नहीं सब चलेगा ऐसा ही चलता रहेगा। समझे हो, तो उधर देखो पेनिस को नंगा कर दिया ग्लास पेनिस को, फिर पे कट कर दिया जाता है ग्लास पेनिस को नंगा कर दिया जाता है, इसको खतनी बोलते हैं। आइजा देखो इसे महिलाओं में इतनी बड़ी, इधर देखो सुनो देखो इतनी बड़ी छोटी छोटी होती बेचारी इतनी बड़ी लड़की रही है ना तब का यहाँ कुछ पूछा दें यहाँ कुछ पूछा दें यहाँ कुछ पूछा देंगे कुल कुछ पूछा कुछ पूछा के क्या इनमें बाली पहनी है मैं नथिया पहनी है और उसके बाद अगर और कचरा तो पूरा यहाँ से छेदवा दें। अब समस्या कहाँ है, लेकिन कोई भी है कोई लड़के भाई एक कान छी पैदा ना भाई भाई कोई, लेकिन परंपरा है तो है। अब हमारी मम्मी पहने है ना नथिया तो हम कैसे न पहने पहनेंगे जरूर पहनेंगे मानेंगे ना, ये कौन परंपरा है। तेरी मम्मी एम एस सी पी एच डी कर रही क्या, नहीं तू क्या कर रही तो भी एम एस सी पी एच डी न करो, कोई मम्मी तेरे गोबर चलते ही मत बैठो, मम्मी तेरी कांचदार वो याद तो है, मम्मी तेरे नाचदार वो याद है बोलो ये सब याद है, और लेकिन पढ़ाई के हाँ सुनो जो परेशान नजर आया बहुत ज़्यादा इनकी परेशानी कारण है परेशानी कार्ड प्रिप्यूज देख लो ओपनिंग ऑफ पेजेस कार्ड है 3 मीटर्स हो गया अब आगे जो पढ़ना है ये इसका फिगर देखना है, क्या देखना है इसका फिगर, फिगर देखेंगे आप कल, क्यों फिगर देखेंगे क्योंकि एक घंटा 45 मिनट को समझाने लगे खाली, और अगर वही समझ में आ गया तो एक को याद करो तो वो दो को याद हो जाएगी, दो सारे को छुटेगा नहीं, चलते हैं मिलते हैं फिर कल बाय।